standing alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes. What is up, beautiful people? Welcome to another block. तो हम आ चुके हैं मातृ धाम, जिसे कि कातल बोड़ी भी कहा जाता है, जो कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी के माता जी का धाम है। और हमारे साथ में आए हुए हैं हमारे प्रिय मित्र आकाश भाई। आइए आकाश भाई, जो कि हमारे साथ काफी वीडियोस में आ चुके हैं। ये हमारे आकाश भाई, हाय हाय करो। हाय। और मेरे साथ में आया हुआ है मेरा भाई, मामा का लड़का प्रद्युम सनोडिया। पहली बार है ये वीडियो में, तो प्रद्युम भाई हमारे व्यूअर्स को हाय करो। हाय। और जिनका कि बहुत ज्यादा योगदान रहा है कैमरे के लिए, एक आवाज में आने वाले हमारे श्यामू भाई, कैमरामैन श्यामू भाई, जो कि हमारे सामने, हाय करो हमारे व्यूअर्स को। तो बिना किसी बकवास के चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो लेट्स गो। सो ऑलराइट गाइस, जैसे कि हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर माता रानी विराजमान है, हम पंडित जी से पूछना चाहेंगे कि माता रानी का पूरा नाम क्या है। पंडित जी आप बताने की कष्ट करें। माँ ललितेश्वरी भगवती राजराजेश्वरी कृपा सुंदरी माता। तो गाइस, जैसे ही हम साइड में चलते हैं तो यहाँ पर हमारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी की माता जी की प्रतिमा विराजमान है, जो कि यहाँ पर ये है। कैमरामैन थोड़ा अच्छे से दिखाइए यहाँ पर। अब हम चलते हैं थोड़ी आगे की तरफ। सो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताएं विराजमान हैं। तो हम यहाँ पर सभी देवी देवताओं का इंट्रोडक्शन पंडित जी के श्रीमुख से लेते हैं। तो पंडित जी, इनके बारे में आप थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। ये 10 महाविद्या है, देवी जी के 10 अवतार, जिसमें सबसे भी उच्च मानी जाती है काली माता। अच्छा, ये काली माता जी। जी, जी। ये काली माता, फिर काली माता के बाद आती है तारा माता। अच्छा, ये तारा माता जी। जी, ये लिखा भी है गाइस, देख लीजिए यहाँ पर तारा माता, सभी देवी देवताओं के नाम लिखे हुए हैं। तो आगे आइए, फिर तीसरे नंबर में आती है षोडशी माता। षोडशी माता, चलिए। फिर चौथा नंबर में भुवनेश्वरी माता। जय हो माँ भुवनेश्वरी की, चलिए। फिर पांचवा नंबर में छिन्नमस्ता आती है। छिन्नमस्ता, इनका सिर नहीं है। अच्छा, इनका सिर नहीं है। वाओ, कैमरामैन जी थोड़ा देखिए। इनके दोनों बेटे को भूख लग रही थी तो उन्होंने अपना खून निकाल के पिलाया। अरे बापा। तो महाराज जी बता रहे हैं कि इनके दोनों बेटे आजू बाजू में विराजमान हैं। ये दोनों बेटे, एक ये है और एक ये है, है ना? वो है तो। अच्छा, ये तीन हो गए फिर तो। अरे वो और एक हूँ जो कांटे। अच्छा, ये काली जी का हूँ है ना। चलिए, हाँ, छिन्नमस्ता माता है ना। तो आगे इधर चलते हैं, तो ये है त्रिपुर भैरवी माता। और फिर आगे चलते हैं, ये तो यहाँ पर सातवां अवतार धूमावती देवी। अच्छा, ये सातवां अवतार है धूमावती देवी जी, है ना जी। तो आइए कैमरामैन, ये आठवां अवतार देवी, ये आठवां अवतार है बगलामुखी माता जी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। ये नौवां अवतार माता अंगी, ये माता रानी का नौवां अवतार है मातंगी। मातंगी, अच्छा क्या है मैम, चलिए चलिए कोई नहीं। ये इनको कमला देवी बोला जाता है, कमला देवी जी है ना। और ये बटुक भैरव, हाँ बटुक भैरव। और फिर इधर से हम आगे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर हमें दिखेंगे सूर्यदेव, सूर्यदेव है ना जी। और यहाँ पर चंद्रदेव, ये चंद्रदेव जी, ठीक है। और फिर इधर से और घूमते घूमते आएंगे महाराज जी, ये है 10 महाविद्या के बाद नवग्रह भगवान का ध्यान आता है, जिसमें ये मंगल देवता माने जाते हैं। मंगल देवता है, चलिए आगे। मंगल के बाद बुध, बुध देव, ओके। बुध के बाद गुरुदेव है ना, गुरुदेव। चलिए, शुक्रदेव, शुक्रदेव। और ये शनि देव। और यहाँ पर आ जाते हैं हमारे राहु देव, और ये केतु जी जी है ना। सो ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा, इतने सारे देवी देवता विराजमान है, तो हमने यहाँ का पूरा आपको दर्शन करा दिए हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं और बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो चलिए, लेट्स गो फैमिली। सो गाइस,
हम यहाँ का व्यू पॉइंट आपको ऊपर से, मंदिर के ऊपर से दिखाने वाले हैं। तो चलिए व्यू पॉइंट दिखाते हैं, लेट्स गो फैमिली। चलिए महाराज जी, YouTube में पहली बार मातृधाम मंदिर का ब्लॉग और यहां से ऊपर से लेके नीचे तक का ब्लॉग आपको हमारे ही चैनल में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए महाराज जी कहाँ पर पैर रखना है बताना। Oh my God, I can't believe this कि यार मैं इतने ऊपर चढ़ रहा हूँ। So guys, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, हम लोग आ चुके हैं टॉप फ्लोर पे। और महाराज जी ये क्या है? ये जो नीचे गर्भगृह का माता जी का जो बना है उसी की गुम्बद है ये। अच्छा, माता जी का जो गर्भगृह है उसकी ये गुम्बद है। और यहाँ पर से देखो यार, कैमरामैन थोड़ा दिखाओ आउटसाइड का व्यू, कितना जबरदस्त व्यू है। सो गाइस, बहुत ही जबरदस्त व्यू है। और हमारे कुछ जो फ्रेंड लोग हैं ना, वो नीचे खड़े हुए हैं, देखो थोड़ा मस्ती मजाक कर रहे हैं। ओए हेलो करो कैमरे में। सो ऑलराइट फैमिली, ऐसा ब्लॉग आपको कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ऊपर से लेके नीचे तक पूरा दिखाए हैं आपको। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। सो ऑलराइट गाइस, जैसे ही हम आगे की तरफ आए तो यहाँ पर है हमारे शिवजी का मंदिर। तो चलिए शिवजी के मंदिर में एंटर करते हैं। और जैसे ही हम आगे की तरफ आते हैं, यहाँ बहुत बड़े नंदी महाराज हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये देखिए कितने बड़े नंदी महाराज है ना। तो यहाँ पर हम जैसे ही आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमारे शिवजी विराजमान है, जो कि सर्पराज जी के साथ में है, यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पीछे कुछ देवी देवता बैठे हुए हैं, कैमरामैन थोड़ा दिखा दो। हम लोग आगे की तरफ आए तो यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है, जो कि हम अंदर आकर के दिखाते हैं। चलिए आगे क्या है। आप जैसे कि ये देख रहे हो, ये आश्रम देख रहे हो, यहाँ का भी कुछ इतिहास है और महाराज जी इस इतिहास के बारे में बताना चाहते हैं। तो महाराज जी आप बताइए। ये शंकराचार्य जी का आश्रम, शंकराचार्य जी जब भी आते हैं तो यहीं पर रुकते हैं। और यहाँ पर एक गुरुकुल भी खुला था जो अभी बंद हो चुका है, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अपना ज्ञान लेते थे। यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद माध्यंदिनी शाखा पढ़ाई जाती है, जो बनारस से जुड़ी हुई थी, अभी बंद हो चुकी है, जो अभी बनारस में चालू है। महाराज जी की आज्ञा होगी तो यहाँ पर दोबारा फिर खोला जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, महाराज जी ने यहाँ का पूरा इतिहास बताया। ऑलराइट गाइस, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।